हेलो फ्रेंड्स, मैं शताब्दी और शताब्दी द किचन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी, देखिए जो गर्मियां जब पड़ती है तो बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं कि बना बनाकर बच्चे भी नहीं खाते हैं और हम लोगों को भी जैसे उमस सी आने लगती है। तो आज मैं एक बंगाली ट्रेडिशनल रेसिपी बनाने वाली हूँ जिसका नाम है शुक्तो। शुक्तो में कौन कौन सी सब्जियां पड़ती है, कौन से मसाले पड़ते हैं, ये सब मैंने अपनी वीडियो में आगे बताया है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये रेसिपी 10 मिनट में ही बन जाती है और खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि ये मैं कैसे बना रही हूँ। कि फ्रेंड्स, शुक्ता बनाने के लिए ये एक बंगाली डिश है और गर्मियों के स्टार्टिंग से लेके पूरी गर्मी में खाई जाती है। तो ये शुक्ता जो है ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है और बहुत हेल्दी है ये, और मोस्टली सभी बंगालीज के घर में ये बनाया जाता है। तो इसके लिए देखिए दो चीज तो होना बहुत ही जरूरी है, एक होता है करेला और एक होता है कच्चा केला। इसके साथ जो है बैगन डलता है, आलू है, और यहाँ मैंने देखिए सहजन की फली बाजार में आ गई है, वो सहजन की फलियां भी मैंने इसमें डाली है तो इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। देखिए ये उड़द दाल की बड़ियां है, आप कोई भी बड़ी डालकर कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रेडिशनल बनाना है सुक्ता तो ये बड़ी इसमें डलती है। मैंने पहले भी एक रेसिपी में आप लोगों को बताया था कि बंगालीज में एक पाँचफोड़न बोला जाता है जिसमें सरसों, कलौंजी, मेथी के दाने, सौंफ और देखिए यहाँ पे साबुत जीरा मैंने लिया है। देखिए जो मैंने अभी खड़े मसाले आपको बोले हैं तो इनको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी, क्योंकि ये इसको पीसना पड़ता है। पीसने के बाद जब ये रेसिपी बन जाती है तो लास्ट में इसको उसके ऊपर डालना पड़ता है। तो हल्का सा इनको फ्राई कर लूंगी ताकि इसको मैं मिक्सी में पीस सकूं। तो देखिए बंगाली में बोलते हैं रांधुनी, तो इसको भी इसमें मैं डाल के भून लूंगी। आप जो है इसका मसाला पीस के बना के भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इंस्टेंट बना के पीस के ही इसमें यूज करती हूँ। तो देखिए ये अच्छे से ये देखिए भून चुका है, तो अब मैं इसको प्लेट में डालकर थोड़ा ठंडा कर लूंगी, उसके बाद पीस लूंगी। कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डाला है ताकि इन बड़ियों को अच्छे से फ्राई करके मैं उठा लूं। देखिए बड़िया को जो है मैं अब एक बाउल में रख लेती हूँ। अब इसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ। सब्जियां काटी थी उसमें सबसे पहले करेले को फ्राई कर लूंगी। जब तक करेले बिल्कुल रेड कलर के एकदम नहीं हो जाते हैं तब तक इसको फ्राई करना है, वरना इसका कड़वापन जो है वो दूर नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो मसाले थे उनको मैंने अच्छे से पीस लिया है। तो जब मैंने मसाले लिए थे तो मैंने ये नहीं बताया था कि कितना लेना है, बस आप अपने अंदाजे से आप इसको फ्राई कर लीजिएगा और ठंडा करने के बाद जब पीस लीजिएगा और जब इसको सब्जी में हम डालेंगे तो कम से कम 2 टेबलस्पून इसमें डालना है। करेले बिल्कुल रेड कलर के हो गए हैं भून के, तो अब मैं इसको प्लेट में रख लूंगी उठाकर। कढ़ाई में मैं तेल डाल रही हूँ। उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा और तेल डाला है और देखिए इसमें 2 तेज पत्ता डाल रही हूँ, और जो मैंने अभी बताया था कि रांधुनी है, अगर ये ऑप्शनल है, अगर ये आपके पास नहीं है तो जो 5 फोड़ों मैंने दिखाया है वो भी आप डाल सकते हो। सब्जी है वो डाल दूंगी। दोस्तों मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा तो तभी आपको पूरी की पूरी रेसिपी का पता चलेगा।
रेसिपी बहुत ही इजी है, ना इसमें ज्यादा मसाले पड़ते हैं और ना इसको ज्यादा रिच बनाया जाता है, लेकिन ये बनकर बहुत ही टेस्टी लगती है ये रेसिपी। तो दोस्तों देखिए, ये जो मैंने सब्जियां ली थी ये अच्छे से भुन गई है। इसको बराबर बराबर इस तरह से आप चलाते रहोगे तो ये बहुत जल्दी फ्राई की तरह हो जाती है। इसमें देखिए मैंने हाफ चम्मच हल्दी डाली और हाफ चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। आप अपने फैमिली मेंबर्स के हिसाब से कम ज्यादा सब्जियां आप डाल सकते हो। अब इसमें देखिए ये सहजन की जो फलियां हैं ये मैं डाल रही हूँ। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी। उतना ही पानी डालना है कि सारी की सारी सब्जियां थोड़ा थोड़ा डूबे रहें, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, ताकि सब्जियां अच्छे से सीज जाए, क्योंकि इसमें सहजन की फली और जो आलू है उसको सीजने में थोड़ा टाइम लगता है। अब ऊपर से मैं इसको ढक देती हूं करीबन 10 मिनट के लिए। अब देखिए दोस्तों, एक बार देख लेती हूं मैं, बीच में एक बार जरूर देखती हूँ ताकि जो ऊपर की जो सब्जियां हैं वो थोड़ी नीचे चली जाए और नीचे की जो सब्जियां हैं वो ऊपर तक आ जाए, ताकि सारी जो सब्जियां हैं वो प्रोपोर्शनली अच्छे से सीज जाए। अब इसको फिर से एक बार ढक देती हूँ। देखिए अब मैं देख लेती हूँ, सब्जियां जो है अच्छे से सीज गई हैं। अब जो इसमें करेला मैंने भून के रखा था वो डाल देती हूँ और जो बढ़िया थी वो भी इसमें डाल देती हूँ। अब इसको 2 मिनट के लिए ढक के रखूंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुका है। देखिए जो मैंने मसाला पीस के रखा था वो इसमें डाल देती हूँ। यहां मैंने आधा टीस्पून मसाला डाला है, बाकी मैं रख दूंगी जब मैं किसी और दिन बनाऊंगी। ये किसी भी चीज में पड़ सकता है ये मसाला, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं शुक्तो को सर्व कर रही हूं। आशा करती हूं कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो जरूर आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा कि कैसी बनी और ये रेसिपी खाने में कैसी थी। मेरे चैनल को जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्त भी सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप बेल आइकन क्लिक करते हैं तो मेरी नई नई रेसिपीज जो है वो आप तक डेली पहुंचती जाएगी। आज की मैं डेली रेसिपीज बनाती हूँ और आप लोगों के लिए सेंड करती हूँ। तो दोस्तों, अगली रेसिपी अब थोड़े दिनों बाद ही आने वाली है, तो आप लोग इस रेसिपी को तब तक बनाइए और खाके जरूर बताइए कैसी बनी थी।